इस इमेज में आपको टेस्टिस की हिस्टोपैथोलॉजी दिखाई गई है, जो एचर्नी स्टेन से स्टेन की गई है, दैट इज हिमेटोजाइलिन एंड इओसिन। तो टेस्टिस में क्या होता है, बहुत सारे ये गोल गोल जो बड़े बड़े गोल दिख रहे हैं आपको, तीन ये दिख रहे हैं आपको सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। तो टेस्टिस में बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। जनरली क्या होता है, उसके बेस में आप देखोगे बीच में कुछ नहीं है, जैसे होलो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, कुछ नहीं है, बट उसके बेस में क्या है, छोटे छोटे आपको काइंड ऑफ सेल्स दिख रहे होंगे। वो क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। तो नॉर्मल टेस्टिस में आपको ये दिखेगा कि प्रॉपर सारे स्ट्रक्चर्स आर देयर, बट ये क्या होता है, ल्यूमेन जो है ये बीच वाला, वो डायमीटर वो बड़ा हो जाता है अगर कुछ डिस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं तो। मतलब इसमें आप समझ सकते हो कि कोई इम्पेयरमेंट है इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। सो दैट इज़ द सेमिनिफेरस एपिथेलियम, दैट थिकनेस यू शुड बी मेजरिंग और यू शुड बी नोइंग आफ्टर हैविंग यू आफ्टर वंस यू डन द हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस।